रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो ये इसमें क्या बताया है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे होते हैं और भी वे हमसे बहुत दूर होते हैं। दूर होने के कारण हमें उनकी प्रकाश या ऊर्जा महसूस नहीं होते हैं और वे हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि नक्षत्र मंडल, अगला अध्ययन बिंदु क्या है अपना, हमारा नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल क्या है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग वियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है, जैसे सप्त ऋषि मतलब सात ऋषियों का समूह है, यह सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या तो अब इस चित्र में हम देखें कि जैसे ये सात तारों का समूह है, ये तो ये क्या है, ये सप्तऋषि मंडल है और यहाँ इसके ऊपर की साइड में ये ध्रुव तारा है, ये उत्तर दिशा में है। सप्तऋषि मंडल उत्तर दिशा में हमें दिखाई देता है। जब हम उत्तर की तरफ मुँह करेंगे तो हमें यह उत्तर दिशा में सात तारों का समूह दिखाई देगा। तो ये सात तारों का समूह क्या है, ये सप्तऋषि मंडल है और इसके ऊपर की साइड में हमें ध्रुव तारा दिखाई देगा। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें क्या दिखा बताया है कि जो रात्रि में आसमान की ओर देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम देख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो ये सप्तऋषि मंडल है, ये क्या है कि अर्सा मेजर का एक भाग है। ये सात तारों का एक समूह है। तो अब आगे हम चलते हैं कि अब अगला है हमारा ध्रुव तारा। अगला बिंदु क्या है, ध्रुव तारा की प्राचीन समय में ये लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे कि प्राचीन समय में लोगों के पास दिशा मापक सूचक भी नहीं था और पता भी नहीं चलता था, तो वो क्या करते थे कि दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उत्तरी तारा क्या है, उत्तर की दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा किसे कहते हैं कि ये उत्तरी दिशा को बताता है, ध्रुव तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। और यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है कि यह ध्रुव तारा स्थानांतरित नहीं करता है, कि यह दिशा चेंज भी नहीं करता है, तो ये एक स्थान पर रहता है। तो यह इसको उत्तरी दिशा का तारा कहते हैं। तो ये हमारी दिशा मापने का, दिशा जानने का एक बहुत अच्छा साधन है कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है और ये आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से, जो सप्तऋषि मंडल है सात तारों का समूह है, इसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है कि ये रहा सप्तऋषि मंडल, ये रहा सप्तऋषि मंडल, अभी मैंने दिखाया आपको ये सप्तऋषि मंडल है, तो इसके ऊपर की साइड में ये ध्रुव तारा है। तो इसे ये ध्रुव तारा तारे की ओर इंगित करेगी। तो क्या है कि इसमें कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मानी होती है, तो वे तारों की प्रकाश से प्रकाशित होती है, इसे ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। हमारा अध्ययन बिंदु है ग्रह। तो जैसे हम कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मानी होती है,
कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश भी नहीं होता है और ऊष्मा भी नहीं होती है, तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और वे ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जिसे ग्रह, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं कि प्लेनेट कहते हैं, अंग्रेजी में इसे प्लेनेट कहते हैं। और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाली। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह है क्या है, ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह क्या है, एक ग्रह है। तो यह एक ग्रह है, तो यह क्या है कि ग्रह और पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह क्या है, ग्रह है। यह है अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। और जो पृथ्वी की सबसे नज़दीक का तारा है, जो कि यह ऊष्मा और ऊर्जा किससे प्राप्त करती है, सूर्य से करती है। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखने से यह चंद्रमा की तरह प्रतीत होती है। अब हम आगे चलते हैं, ये देखो, यहाँ देखिए, हम नज़र डालें एक बार कि यह है, यहाँ नज़र डालें, यहाँ देखिए कि यह सूर्य है, ये यहाँ सूर्य है। ये तो सूर्य के पास है, ये रहा सूर्य के नज़दीक यह है बुध। बुध क्या है, सूर्य के नज़दीक का ग्रह है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, इसमें शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देता है हमें शुक्र ग्रह। अब यहाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बुध है जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण है। कितने दिन में करता है परिक्रमण, 88 दिन में यह परिक्रमण सूर्य के चारों ओर करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन ये 59 दिन के अंदर करता है। बुध ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में करता है और अपने अक्ष पर यह घूर्णन करता है 50 दिन में, सॉरी 59 दिन में करता है। अब अगला ग्रह है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता है ये 265 दिन में। तो अपने अक्ष पर घूमता है ये 243 दिन में। और पृथ्वी क्या है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करती है 365 दिन में और अपने अक्ष पर घूमती है एक दिन में। अपने अक्ष पर घूमती है ये 24 घंटों में ये एक अपनी परिक्रमा करती है, ये घूर्णन करती है। और चंद्रमा किस की संख्या है, एक। अब है मंगल। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण है 687 दिन में करता है और अपने अक्ष पर ये एक दिन में पूरा करता है। अब है आंतरिक ग्रह है ये सूर्य के बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से बने हैं, तो इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं जो ये सूर्य के बहुत नज़दीक है होने के कारण ये चट्टानों से बनी है। अब आगे चलते हैं कि अब है बृहस्पति। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करता है, 11 साल में परिक्रमण करता है बृहस्पति। तो महीने लगभग 12 साल अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। और सूर्य के अब है शनि। शनि क्या है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है कि 29 साल 5 महीने में और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 10 घंटे 40 मिनट और ये चंद्रमा की संख्या का लगभग 53वां भाग है। तो ये बाह्य ग्रह हैं। ये कौन से हैं, ये बाह्य ग्रह हैं। ये है बाह्य ग्रह है। और आंतरिक ग्रह तो चट्टानों से बने होते हैं और यह सूर्य से बहुत दूर होने के कारण ये कई आकाशीय बहुत दूर होने के कारण ये बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। तो आंतरिक ग्रह तो बने हैं
आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह तो बने हैं चट्टानों से बने हैं, और ये तरल पदार्थों और गैसों से बने हैं। अब हम आगे चलते हैं कि आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक क्या है, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है, और ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी हमारे पृथ्वी के समान सात अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। अब हम चलते हैं सौरमंडल। तो सौरमंडल जैसे कि सूर्य, आठ ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे एक क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है कि सूर्य, आठ ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य ग्रह, अन्य खगोल पिंड, खगोलीय पिंड जैसे एक क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य कौन होता है, सूर्य होता है। मैंने पहले शुरुआत में आपको बताया था। अब सबसे मुख्य होता है सूर्य। तो अब सूर्य को हम लेते हैं, सूर्य हम पढ़ते हैं अब कि सूर्य क्या है, कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, और इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, और सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है, और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आज के लिए बस इतना ही, आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।